दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप काइन मास्टर को ओपन करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है द काइन मास्टर इंजन फेल टू इनिशियलाइज। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको भी इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन मिलता है तो आप इसको एक क्लिक में कैसे बंद कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये ऐप है आपको उस पर प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है ऐप इन्फो, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चाहे लिखे हैं फर्स्ट स्टॉप, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको बैक चले जाना है, और दोबारा आपको काइन मास्टर को शुरू से ओपन करना है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको उसको ओपन करना है, तो इस प्रकार से आपका जो पुराना वाला जो काइन मास्टर है उस प्रकार से ओपन हो जाता है। थैंक यू।